मौत का कारण है, दुख पाने का कारण है, नरकों में जाने का कारण है, गलत काम करते हैं फिर इसका फल भोगेंगे, थोड़ा सिंह जाते हैं नरक में जाते हैं। तो ये जहर अंदर भरा हुआ है, छोटी सी जहर की ग्रंथि होती है सांप के मुंह में, तो कितना उसे डर लगता है। हमारे अंदर भी ऐसा ही जहर भरा हुआ है, बार बार जन्म नाश मरना छोड़ता नहीं। बाप जी ने दया करके, संतों ने दया करके, जो उनके शरण में आए उनकी विष के गले को ही फोड़ दिया और अंदर में क्या किया, एक अमृत का झरना खोल दिया। अब कभी नहीं मरोगे, काय को मरना, अमृत का झरना तो अंदर है। वो अमृत का झरना क्या है, नाम का लखाव करा दिया, नाम की डोरी पकड़ा दी, सत्य देश से आने वाली अमृत की धार, नाम की धार, प्रेम की धार, बाप जी के चरणों से निकली हुई निर्मल चैतन्य की जो धार है, वही सदगुरु शब्द है, वही नाम है। तो वो सदगुरु नाम और सदगुरु शब्द की धार या दुनियात्मक शब्द का लखाव करा दिया, ये अमृत की सीर खोल दी। अब काय को मरेंगे, अब कोई मार सकता है। रावण के हृदय में कहते हैं कि नाभि में अमृत का कुंड था, भगवान खुद नहीं मार सके जब तक अमृत का कुंड नहीं छूट गए। अब वो तो एक कुंड था, थोड़ा अमृत था, जब तक वो था तब भगवान मार नहीं सके। अपने तो सीर है पूरी पूरी, शब्द का अभ्यास या शब्द का सदगुरु शब्द की जो दार बाद में दया करके पकड़ा दी, सत्य शब्द का भेद दे दिया। फिर कहते हैं भाई करने करो, फिर अपने साथ बैठ करके कराते थे, वही सुमना का समय हो गया उठो करो, खुद उठ करके बैठते थे इस गुरुद्वारे के ऊपर छत पर, आप बिराजते थे, हम जैसे नालायक भी वही सोते थे। फरमाते थे एक दिन वो एक लकड़बग्घे का एक बहुत बड़ी अफवाह फैली थी यहाँ पे यूपी में, तो बादशाह साहब की ऐसी मौत थी। एक दिन रात को बोले, उस समय कोई चर्चा चल गई, लकड़बग्घा है बच्चों को उठा लेते हैं ऐसा होता है। बादशाह साहब को, संत तो जगत में नरलीला करते हैं, बोला भाई बात तो सही है, सोए हुए को खतरा है, जागते हुए को खतरा नहीं होता है, ऐसा महापुरुषों ने कहा। अपन सोवे नहीं, बारी बारी से बैठे सुमिरन करें। तो मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, ये सत्य घटनाएं बना के नहीं कह रहा हूं, मेरे गुनाहों की कोई सीमा नहीं है। बाप जी ने कहा कमल जाते रहना चाहिए, मैंने कहा हाँ बाप जी। अब मरे मन से मैंने कहा कि हाँ। बोला अच्छा, वो दयालु है ना, बोला ऐसा करते हैं पहले हम बैठ जाते हैं 2 घंटे, फिर बाद में तुम उठ जाना, अभी सो जाते हैं। मैंने सोचा ये तो अच्छा होगा, चलो पहले तो सो जाते हैं, बाद में देखेंगे। अब बाद में साहब तो ये जो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती है उसके बाद में जो नीचे स्नान करे उसके ऊपर का जो छोटा छोटी छत है उसके ऊपर आ गिराज गए, और मैं इधर रसोई की तरफ आए जिसको सोता था वहाँ सो गया। बाद में किसकी नींद खुलती है, डर ही नहीं था, चिंता भी नहीं थी, बाद में वस्त्रों की कदर नहीं थी। बाद में साहब तो जरूर बिराज रहे होंगे, कब आराम किया मुझे पता नहीं। ये दया करने के उनके तरीके हैं, ये इनके इन प्रकार हैं। हम पर दया करना चाहते हैं, हमें अमृत देना चाहते हैं, अमृत पिलाना चाहते हैं। हम तो है ही महामूर्त और अभाग्य भी, उठे हुए भाग वाले हैं तो वो पिलाते हैं, तुम पीते नहीं तो लकड़बग्घे से क्या मतलब, कीमत होनी चाहिए बाप जी के वचनों की। बाद में कह दिया हमें जगते रहना है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए था, बाप जी हम बैठ जाते हैं आप आराम कर लीजिए, फिर यदि आप फरमाएंगे नहीं पहले हम नहीं जगेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन इतना भी नहीं कहा बाद में भी नहीं जगे, गुनाहों की कोई सीमा नहीं। तो ऐसे गुरुदेव थे, हमें क्या तो परमार्थ की समझ कभी हो सकती है, क्या हमारे घर के विकार और अंधकार और मोह और ज्ञान कभी दूर हो सकता है। तो गूंगे को गुरमुखा बुलाया, नैन अंध खुलवाया हो, पंगला को गुरु पाँव दीना दृढ़ कर बहुत चलाया हो। हम पंगले हैं, जा नहीं सकते कुछ दूर भी, और वो ले जाना चाहते हैं हमें सटल हो, तो हैं तो कमजोर असमर्थ, हिम्मत नहीं है, हिम्मत हारे हुए हैं, उत्साह की दया से हम सब भाई बहन यहाँ
उपस्थित हो सके हैं। इस बार अपने यहाँ के सत्संग महोत्सव के कार्यक्रम में सत्संगी भाई बहनों की कम संख्या और कठिन मौसम को देखते हुए थोड़ा परिवर्तन किया गया है। अब सत्संग दिन में 3 बार होगी और सभी सत्संगी भाई बहन उन तीनों सत्संग में सबकी ड्यूटी है, तो सुबह रोजाना 4 बजे से 7 बजे तक, दोपहर में 3 से 5:30 और 3 से 5:30 वाली सत्संग में 4:30 से 5:30, 3 बजे शुरू होगी सत्संग, 4:30 बजे पर के समय बाप जी के संतमत के सिद्धांतों पर, बाप जी साहब की महिमा पर, संतमत के उसूलों पर प्रवचन रोजाना होंगे और 5:30 बजे के बाद में प्रसाद वितरण होगा और तीसरी सत्संग रात को 8 बजे से 10 बजे तक। ये रोजाना का कार्यक्रम रहेगा और बीच में पंचमी 13 और 14 जून को पूर्णमासी के समापन का जागरण, 3 रात्रि जागरण होंगे, उन दिनों में 8 बजे से 2 बजे तक जागरण का समय रहेगा, तो शाम की 8 बजे से 10 बजे वाली सत्संग नहीं होगी। और अगले दिन सुबह 4 बजे से 7 बजे सत्संग होती है, वो भी नहीं होगी। जो भाई बहन या नज़दीक में हैं आ सकते हैं, वो मिलकर के 2-4 पाठ कर लेंगे, समापन जागरण का 2 बजे हो जाएगा। और कबीर साहब के प्रकाशोत्सव पूर्णिमा तारीख 14 जून को, फिर कबीर साहब जी की, बाप जी साहब जी की, माता जी साहब की पूजा का कार्यक्रम वही सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में और 1 बजे से दिन में बाप जी के भोग का भंडारा होगा और रात्रि में जागरण होगा। ये कार्यक्रम इस बार के सत्संग महोत्सव का है और ये 3 तारीख से 14 तारीख तक 12 दिन का कार्यक्रम होता है। 12 दिन का ही क्यों होता है कि हम लोगों की सामर्थ्य कम है, हमारी दीनहीन कमजोर निर्बल उत्साहहीन दशा को देख करके बाप जी साहब ने इसको, इस महोत्सव को, इस मंगल महोत्सव के आयोजन के समय को 12 दिन का जेठ सुदी चौथ से, बल्कि 3 की रात्रि से ही पूर्णमासी की रात्रि के जागरण तक का सीमित कर दिया है। नहीं तो पुराना इतिहास तो गवाही देता है कि ये मंगल महोत्सव कम से कम 1 महीना चलना चाहिए और 1 महीने में रात नहीं होनी चाहिए। रात का मतलब क्या, रात नहीं होगी, सूरज भगवान अस्त नहीं होंगे, प्रकृति के नियम के अनुसार तो होंगे, लेकिन हमारा उत्साह, ये हमारा फर्ज है कि बाप जी साहब सत्यदेश से हम पर दया करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, तो हमारे लिए बहुत मांगलिक और उत्साह का मंगल आयोजन ये होना ही चाहिए। हमारा उत्साह महीने भर बाद भी समाप्त नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि महीना बीत गया, शास्त्र गवाही देते हैं। कपोल कल्पित बात नहीं है, भगवान का जन्म हुआ अयोध्या में, पूरी अयोध्या के सारे नागरिक पारब्रह्म परमात्मा के अवतार थे, पूरी अयोध्या के सारे जड़ और चेतन प्राणी, ऐसा नहीं है कि केवल इंसान, सारे प्राणियों को इतना अधिक खुशी हुई, इतनी अधिक खुशी हुई, इतना उन्होंने उत्साह मनाया, गलियें गुलाल और अबीर से भर गई, हवा में गुबार उठा गुलाल और अबीर का ऐसा कि जैसे आसमान में बरसात के मौसम में बादल छा जाते हैं वैसा धुंधल का हो गया। मास दिवस कर दिवस बा मर मन जाने को, 1 महीने का दिवस हो गया, काकभूषण जी कहते हैं
कि मैं शंकर जी के साथ अयोध्या की गलियों में मस्त घूमता हूँ, जब इच्छा होती है तब दशरथ जी के महल में जाते हैं, भगवान के दर्शन करके गदगद होते हैं, खुशी से भर जाते हैं, फिर गलियों में घूमते हैं, लोगों की खुशी में शामिल होते हैं, पता नहीं चला। अब देखिए वो लोग प्रेमी थे तो उनको न तो पता चला कि एक महीना बीत गया है, न उनको थकान आई, शारीरिक विघ्न, भूख प्यास, थकान, नींद, सबसे पहले नींद मुझे ही आती है, सबसे पहले मैं ही थकता हूँ, क्योंकि प्रेम की कमी है। लेकिन अवसर अवसर वैसा ही है, मास दिवस कर दिवस बा मर मन जाने को, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधियो। भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण देव इस उत्सव को, महोत्सव को, अयोध्या की खुशी को ऊपर से देख रहे हैं। रथ रुका हुआ है, भगवान सूर्य नारायण जिस रथ में बैठ करके सुबह पूर्व दिशा से चलते हैं और शाम को पश्चिम दिशा तक पहुंचते हैं, वो हमारा दिन होता है। तो भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण, सूरज भगवान रुक गए आसमान में, इतनी खुशी अयोध्यावासियों की थी, उन्होंने सोचा कि भाई अभी दिवस अस्त हो जाएगा, रात हो जाएगी, इनकी खुशियों को विराम न लगे। और भगवान को भी, सूर्य भगवान को भी खुशी हो रही थी, तो वो भी देख रहे थे, सूर्य भगवान थक गए, उनका रथ थक गया, खड़े खड़े रथ समेत रवि था के निशा कवन विधियो। रात्रि कैसे हो, भगवान सूर्य नारायण का रथ बीच आसमान में ऊपर रुका रहे, सूरज भगवान इस समय जहाँ है 12 बजे, वहीं पर अगर 10-12 दिन 15 दिन एक महीना रुक जाए तो रात्रि यहाँ तो नहीं होगी। ये दशा हुई थी, इतनी खुशी का मौका था, वहाँ के हर नागरिक इंसान और दूसरे प्राणी और अचेतन जगत के प्राणी, चेतन जगत के प्राणी और अचेतन जगत के प्राणी सभी इस तरह से प्रेम विभोर हो गए। प्रेम में बड़ी ताकत है, रात्रि को होने से भी रोक सकता है तो रोक दिया। आखिर में अयोध्या के निवासियों की खुशी का कोई पैमाना नहीं था, उनकी खुशी समाप्त नहीं हुई, पूर्ण नहीं हुई, सूर्यदेव ही थक गए लेकिन अयोध्यावासी नहीं थके। ये था जन्मोत्सव मनाने का तरीका। हमारा तो वैसा नहीं हो सकता, लेकिन वो एक लैंडमार्क है, वो एक पैमाना है, वो एक लक्ष्य है। प्रेम ऐसा होना चाहिए कि उस प्रेम में जन्मोत्सव हम ऐसा मनाएं कि हम अपना आपा भूल जाए। तो ये प्रेम होना चाहिए, नहीं है, ये वास्तविकता है, लेकिन ये प्रेम की पाठशाला बाप जी ने दया करके खोल दी है। उस समय जो वहाँ जिन लोगों ने जन्म लिया था, वो पिछले कई जन्मों से भगवान के चरणों के प्रेम को परिपक्व करते करते इस लायक बने थे कि वो अयोध्या में उनको बासा दिया जा सके, तो भगवान ने उनको उस समय अयोध्या में जन्म दिया जब उनको खुद भी आना था। बड़ी दया थी उनकी उन जीवों पर। बाप जी साहब की हम पर उससे भी ज़्यादा दया है कि हम वैसे प्रेम पात्र नहीं हैं, तब भी बाप जी ने हमें अपने जन्मोत्सव में शामिल होने का या मत्था टेकने का और उनके गुण गाने का सुंदर अवसर दिया है। कोशिश करें, मांगें, अगर इसका थोड़ा सा अंश भी इस प्रेम का हमारे अंदर आ जाए तो सोचिए बाप जी कितने खुश होंगे हमारी दशा को देखकर। और हमने क्या दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन जो सच्चे करतार हैं, जो हमारे सच्चे स्वामी हैं, जो हमारे प्रीतम हैं, उनको हम इस तरीके से अनायास खुश कर सकते हैं, पूर्ण रूपेण खुश कर सकते हैं। तो यही प्रार्थना करें। एक महीने का दिन होने का मतलब ये नहीं था, या 12 दिन का दिन होने का ये मतलब नहीं है कि रात्रि नहीं होगी। हमारा उत्साह जो है ना, बीच में उस पर कोई अल्प विराम भी नहीं लगना चाहिए,
उत्साह वैसा ही बने रहना चाहिए। तो अगर उत्साह यानी प्रेम है तो न थकान है, न नींद है, न रात है, न दिन है, प्रेम ही प्रेम है, प्रेम का उजाला है, वो प्रेम का उजाला है, उसके सामने सूरज भगवान का धूप या उनकी रोशनी भी कम पड़ती है, ज्ञान का उजाला भी उससे फीका है, क्योंकि ज्ञान के उजाले में भी तपिश है, प्रेम का उजाला शीतल है, मीठा है, सुखदायक है, तो उसमें रात नहीं होती। तो बाबजी ने ये जो प्रेम की पाठशाला खोली है दया करके, और हम लोगों को जिनको यहाँ इस समय उपस्थित होने का मौका दिया है उनको इस पाठशाला में एडमिट कर लिया, एडमिशन दे दिया है। अब इसका लाभ उठाएं, कोशिश करें, प्रार्थना करें, आगे बाबजी मददगार हैं। अभी अपने पास 12 दिन का समय है, कोशिश करेंगे कि बाबजी की जो शिक्षा थी, जो उपदेश था, जो बाबजी ने दया करके हमें सिखाने की कोशिश की थी, जिसे अभी सीखना हमारे लिए बाकी है, लेकिन उसको हम भूल नहीं जाएं उनकी शिक्षा को, तो उनकी शिक्षा, उनके सिद्धांत, बाबजी का संतमत और संतमत की फिलोसॉफी और दर्शन, इन सबको अपन 12 दिन में संक्षेप में याद करने की कोशिश करेंगे। बाबजी दया करें और हम सब लोगों की तवज्जह यानी हमारे सब की लगन अपने चरणों में जोड़े रखें। इसी प्रार्थना के साथ विराम, इस समय प्रसाद वितरण होगा, उसके बाद सत्संग को विश्राम होगा, दोपहर 3 बजे वापस शुरू होगी, 2:30 बजे तक चलेगी, और फिर इसी तरह से रात्रि में 8 बजे से 10 बजे तक रोजाना प्रतिदिन का ये कार्यक्रम होगा। आज की जो प्रारंभ की सत्संग थी 9 बजे से 12 बजे, वो कल नहीं होगी, इसकी जगह सुबह 4 बजे से 7 बजे होगी, समापन के दिन 9 बजे से 12 बजे फिर होगी। तो बाबजी से इसी अर्ज के साथ विराम लेते हैं कि बाबजी दया करें, हम भी आपके इस पवित्र जन्मस्थल पर बैठकर आपके गुण गा सकें। जन्म महो सवर चय सुजाना, करहिं राम कल कीरति गाना। कैसे जन्म महोत्सव मनाया जाता है, जो भगवान के प्रेमी हैं, चाहे वो इंसान हो, देवता हो, राक्षस हो, किन्नर हो, कोई भी हो, असुर नाग सुर नर मुनि देवा, आई करहिं रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचय सुजाना, करहिं राम कल कीरति गाना। हम भी कोशिश करें कि बाबजी के गुण और निर्मल यश को गाएं प्रेम के साथ। इसी भावना के साथ विराम, और प्रसाद का वितरण होगा। सद्गुरु दयाल, बोलो सद्गुरु दयाल की, परम संत सतपुरुष सदगुरु कबीर साहेब की, परम संत सदगुरु स्वामी विश्वानंद जी साहेब की, परम संत सदगुरु दयालु माता जी साहेब की, धन धन सदगुरु, धन धन दाता जी, धन धन माता जी, बोलो सदगुरु दयाल की, परम संत सदगुरु स्वामी विश्वानंद जी साहेब के जन्म महोत्सव की, जेठ सुदी चौथ की, कैथापुर धाम की, बोलो सदगुरु दयाल की। सतगुरु दाता।